शेरशाह सूरी और राजा मालदेव में जब युद्ध हुआ था तो शेरशाह सूरी ने इस किले को अपने कब्जे में ले लिया था। पर तो कहली गहरी खाई बनी हुई है दोस्तों। पहले ज़माने में ये आपको कुछ मिट्टी के भुरका टाइप के दिख रहे होंगे, तो पहले यहाँ पे इन्हीं भुरकों में डाकू छुपते थे। इससे मैं बोलता हूँ आपको इस किले में आना ज़रूरी नहीं है। इसके नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आपको लेके आ चुका हूँ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे, जो कि धौलपुर में शेरगढ़ फोर्ट। दोस्तों आज मैं आपको पूरी तरह से शेरगढ़ फोर्ट घुमाऊँगा और अच्छी तरह से विजिट कराऊँगा। दोस्तों ये शेरगढ़ फोर्ट है जो चंबल नदी के बगल में ही पड़ता है और काफ़ी साहब के भड़काए बने हुए हैं जो नदी के पानी से बन जाते थे पहले समय में, देख सकते हो आप। दोस्तों जैसे कि आपको हमारे पीछे एक बुर्ज टाइप का दिख रहा होगा, इसमें काफ़ी तरीके के पाइप लगाए गए हैं जो कि पहले ज़माने में पानी निकालने के काम आया करते थे। तो दोस्तों आइए हमारे पीछे और हम आपको इस गेट के बारे में भी समझाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक मंदिर भी है जो कि मंदिर ऊपर की साइड में है, जो लोग बाग देखने के लिए आया करते हैं काफ़ी दूर दूर से। जैसा कि आपको दोस्तों ये गेट दिखाई दे रहा होगा, ये गेट उसी समय का है। इसके ऊपर अभी जो पत्थर लगा दिया गया है उसकी शाइनिंग जो आपको दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा चमकीला पत्थर है ये। और दोस्तों अंदर की साइड आओगे आप तो आपको एक कोने पे देखो ऊपर की साइड एक बोतल टाइप की दिखाई दे रही होगी, या ये शराब की बोतल हो सकती है या ये फिर राजा महाराजाओं के पानी की जग हुआ करता है। तो दोस्तों बोतल भी दिख गई होगी आपको और काफ़ी पुष्प बने हुए हैं, चार पुष्प बने हुए हैं देख सकते हो ऊपर की साइड, वो भी आपको दिखाई दे गए होंगे। तो आइए अंदर की साइड और हम आपको कुछ इसमें दो हॉल बने हुए हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये हॉल देख सकते हो, ये हॉल पहले गेट लगता था तो उसके गेट के अंदर एक लकड़ी का बहुत मोटा पल्लर सा लगा दिया करते थे, इससे कोई भी हाथी या घोड़े कुछ भी टक्कर मारे तो ये गेट खुले ना। दोस्तों आइए अंदर की साइड और हम आपको ले चलते हैं उसके बाहरी क्षेत्र में, जो कि दोस्तों इस किले को राजा मालदेव ने 1532 में बनवाया था। तो दोस्तों हम आपको इस किले के जो उसके बाद इस किले पे कब्जा किया था तो उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों चलते हैं आगे और आपको कुछ और इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको धरती में कुछ धार टाइप की नज़र आ रही होंगी, तो ये पत्थर अभी लगाया गया है और ये धार किस लिए बनाई गई है? जिससे गाड़ी स्लिप ना हो, गाड़ी अच्छी तरह से ऊपर चढ़ जाए। तो दोस्तों आइए आगे की साइड और आगे एक कुआ भी बना हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो ये पूरा भरे जंगल में बना हुआ है एक किला, और जैसा कि हमारे पीछे कुआ भी है जो पहले के राजा महाराजाओं के पानी पीने के लिए काम में आता था। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसके ऊपर भी पत्थर अभी लगाया गया है, ये कुआ काफ़ी गहरा भी है और इसमें आज भी पानी मौजूद है। तो दोस्तों चलते हैं इसके ऊपरी हिस्से में और आपको कुछ और इसके बारे में बताते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको ये गेट टाइप का दिखाई दे रहा होगा, इस किले में लगभग तीन गेट हैं जिसके पहले रास्ते से हम आए हैं, तो अंदर वाले गेट की भी हम आपको दिखाएंगे, वो पहला टूट चुका है पूरी तरह से। और ये बुर्ज बनाए गए हैं, देख सकते हो आप दो बुर्ज बने हुए हैं गेट के सामने सामने। तो इन बुर्जों पर पहले जो राजा के मैन सैनिक हुआ करते थे वो ठड़ा हुआ करते थे इस किलों पर, इन बुर्जों पर। तो चलते अंदर। दोस्तों आपकी नज़र इन बुर्जों के कुछ जॉइंट पे पड़ रही होगी, दोस्तों हमको इन जॉइंटों से लगता है कि पहले इसमें गेट लगा होगा। तो चलते हैं अंदर, हम आपको एक बात और बताते हैं। शेरशाह सूरी और राजा मालदेव में जब युद्ध हुआ था तो शेरशाह सूरी ने इस किले को अपने कब्जे में ले लिया था 1540 में। तो दोस्तों इसी बात से जुड़ा है ये किला और हम ले चलते हैं आपको ऊपर की साइड और इसका जो अंतिम क्षेत्र है वो भी हम आपको दिखाते हैं। अब बोना चाह रहे, देना चाह रहे, मेरी बात को भूल चाह रहे हैं, तो देना चाह रहे।
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये गेट था, इसी को पहले एंट्री द्वार बोला करते थे और इसका ऊपरी क्षेत्र वो टूट चुका है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ शिलालेख भी लगा हुआ है, इसकी मदद से आप इस किले की जानकारी को पढ़ सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो ये। तो चलते हैं ऊपरी क्षेत्र में। दोस्तों हम आपकी नज़र एक इस दीवार पे ले जाते हैं और आपको कुछ नाली टाइप की दिखाई दे रही होंगी जो पहले ज़माने में पानी निकालने के काम आया करती थी। दोस्तों आइए हमारे पीछे और जानिए इस किले का रहस्य। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक गेट बना हुआ है, इसका पिलर भी ये बना हुआ है और इसके ये पत्थर लगा गया है जो अभी की डेट में ही लगाया गया है। तो अब हम आ चुके हैं किले वाले हनुमान जी पे। जैसा कि आप देख सकते हो ये है मंदिर किले वाले हनुमान जी का। इस हनुमान जी के दर्शन करके हम चलते हैं किले के ऊपर और आपको इस किले से कुछ जुड़ी बातें भी बताते हैं। तो आइए इस गेट से अंदर होते हुए जाते हैं हम। और इस गेट के अंदर से आप देख सकते हो कैसा नज़ारा है इसका। और दोस्तों इस किले को पूरी तरह से बदल दिया गया है और इस किले को मंदिर में अभी तब्दील कर दिया गया है। तो पहले चलते हैं हम इस बुर्ज पे और आपको जो चंबल नदी है और ये भरकाए बने हुए हैं मिट्टी के, उनका भी नज़ारा दिखाते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हो हम आ चुके हैं ऊपर और ऊपर से पहले तो आप इन बुरखाओं का नज़ारा देख लीजिएगा, कैसा शानदार नज़ारा है। और एक बुर्ज वो भी बना हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों पहले हम आपको बता दें इस किले की ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन ख़राब है और काफ़ी दूर दूर तक इस किले में जाने के लिए रास्ता भी नहीं है और हम तो यहाँ तक भी आ चुके हैं। दोस्तों आगे भी चलते हैं, हम आपको कुछ घोड़े के अस्तबल बने हुए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। और आपको वो चंबल नदी दिखाई दे रही है, वही है चंबल नदी। दोस्तों इस नदी में काफ़ी सारे मगरमच्छ खटियाल पाए जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों आइए यहाँ पे कुछ महल के जो अवशेष हैं वो लगे हुए हैं और कुछ अवशेष पड़े हुए हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो एक ये प्लेट टाइप का दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हमको ज़रूर लगता है कि महल का ही होगा क्योंकि इस पे जो डिज़ाइन बना हुआ है वो पहले ज़माने में महल में ही हुआ करते थे। तो आइए दोस्तों, कुछ रूम टाइप का बना हुआ है एक यहाँ पे, उसमें भी दो प्लेट लगे हुए हैं जो पहले ज़माने में महल के काम आया करते थे, देख सकते हो दोस्तों आप। इसमें हमको ऐसा लगता है जैसे कि इस समय में इसमें गाय भैंस बांधी जाती हो। दोस्तों चलते हैं आगे की साइड और हमको रास्ता ढूंढ से ढूंढते आपको भी वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों आइए इस ये बाउंड्री से हम ऊपर की ओर जाते हैं और किले के कुछ हिस्से में पहुंचते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे भी नज़ारा देख सकते हो, क्या भी लंबी गहरी खाई बनी हुई है। दोस्तों पहले ज़माने में ये आपको कुछ मिट्टी के भुरका टाइप के दिख रहे होंगे, तो पहले यहाँ पे इन्हीं भुरकों में डाकू छुपते थे। आपने आधा हिस्सा तो घूम लिया होगा और आधा हिस्सा है जो ये किला बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो आधे हिस्से में हम आपको लेके आ चुके हैं। और ये देख सकते हो काफ़ी जंगल टाइप का दिख रहा होगा आपको
और किले की सामने की टाइप आपको बाउंड्री भी दिख रही होगी। तो आइए हमारे साथ और बने रहिएगा इस वीडियो में। दोस्तों काफ़ी संभल के उतरना पड़ेगा, काफ़ी गहरी खाई है ये और कांटे भी काफ़ी हैं इसमें, तो आराम से चलना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी कांटे हमारे रास्ते में आ रहे हैं और शायद लगता है हमें ये वन विभाग क्षेत्र है, काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो आपको सामने की टाइप बाउंड्री टाइप की दिखाई दे रही होगी, ये पूरी तरह से टूट के पत्थर में बिखर चुकी है। तो आइए हमारे साथ और हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी शांत माहौल है और इस एरिए में कोई भी नज़र नहीं आ रहा हमको, कुछ सूम शाम हो चुका है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये एक रास्ता है जो पहले ज़माने में इसी रास्ते से घोड़े हाथी आया करते थे। तो इन रास्तों से गेट पूरा टूट चुका है और पत्थर बिखर चुके हैं और गेट भी बंद हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो इसकी हालत, इस दीवार की हालत, और ये किला एक रहस्यमय किला के नाम से भी जाना जाता है। ये गेट है जो पहले ज़माने में काम आया करता था, तो ये पूरी तरह से दब चुका है जैसा कि आप देख सकते हो, और काफ़ी हिस्सा है इसका जो घास फूस ये पेड़ पौधों में दब चुके हैं। इसका महल का भी हिस्सा है वो इस पूरे जंगल वन में दब चुका है जैसा कि आप नज़ारा देख सकते हो। दोस्तों ये किला पूरी तरह से टूट के बिखर चुका है और इसके कुछ अवशेष मिलेंगे आपको यहाँ पे। आप घूमने आओगे तो आपको कुछ ही अवशेष मिलेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों इससे मैं बोलता हूँ आपको इस किले में आना ज़रूरी नहीं है, इसके आगे भी एक किला पड़ता है धौलपुर में, तो दोस्तों वहाँ पे जाइएगा आप। इस किले में कुछ भी नहीं है घूमने के लिए। इस वीडियो में आपको देख लिया ही होगा हमारा कि ये किला कैसा है। और दोस्तों आपको इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करके जाइएगा वीडियो को। और दोस्तों ऐसी वीडियो आप हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।